फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रेबसन फ्रॉम Z.H Tutorials। आज मैं आपको वीडियो एडिट करने का तरीका बताने जा रहा हूं कि आप वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसके लिए एक ऐप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप अगले हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो एडिट करने के लिए एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है kinemaster। ये आप कहीं से भी प्ले स्टोर या विड में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने kinemaster को ओपन करना है। kinemaster को ओपन करने के बाद आपने इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट पर जाना है। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा मीडिया। मीडिया वो है कि जिस वीडियो का आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, जो बैकग्राउंड गाना है वो मीडिया होगा। मीडिया को ओपन कीजिए। जो सी तस्वीर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, जो सा भी वॉलपेपर वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वॉलपेपर सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद इस टिक के निशान पर क्लिक कर दीजिए और इस वॉलपेपर को पहले एडजस्ट कर लें कुछ ऐसे। क्रॉप पर जाकर इक्वल के निशान पर और इसे अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, फिर टिक कर दीजिए। इसके बाद आपने एक लेयर चूज़ करनी है जो जिस वीडियो को आपने एडिट करना है, जिसका आपने वॉलपेपर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर एक डायनासोर एक ड्रैगन वाली वीडियो सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप यहाँ से आप अपनी वीडियो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्रोमा की पे जाएं और इसे एनेबल कर दें। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि ये क्या ये यहाँ पर ठीक आ रहा है। अगर ठीक आ रहा है तो आप यहाँ से इसे और एडजस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। इसके बाद आप अपने वॉलपेपर को इस वीडियो के मुताबिक ले आए ऐसे, और आप इसको आप अपनी वीडियो को ज़रा एडजस्ट कर लीजिए ऐसे, ज़रा स्क्रीन के फुल स्क्रीन के मुताबिक कर लें, और इसके बाद टिक कर दीजिए और आपकी वीडियो तैयार। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसे गैलरी में सेव करने के लिए इस निशान पर टच कीजिए। इसके बाद सेव टू गैलरी में, इसके बाद कंटिन्यू, और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ये जो सा जिस वीडियो को आपने एडिट किया है, ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। ये एक्सपोर्ट हो रही है। जब ये एक्सपोर्ट होगी तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कोई भी वीडियो आसानी से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।